नमस्कार, कैसे हैं? आइए, आज हम जो दिन भर बैठे रहते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही अच्छा आसन लेकर आया हूँ, जिनको पेट में गैस बनती, जिसको आप रेगुलर करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही आपको आराम महसूस हो। लेकिन आपको करना रेगुलर है, ये नहीं एक दिन आप किए उसके बाद बैठे हैं आप सोचे कि अब हमें आराम मिल जाएगा, नहीं, आपको रेगुलर करना है। 5 मिनट टाइम, सबसे पहले मैट में दोनों पैर सामने खोल के बैठ जाते हैं। पहला योगासन है हमारा पश्चिमोत्तानासन, जिसको दोनों हाथ साइड में करेंगे, पैर दोनों सामने खुले रहेंगे, एड़ी पंजे सीधे घुटने मिले हुए, घुटने से पैर मुड़ना नहीं चाहिए। अब हम श्वास को पूरक करते हुए अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए डाउन होते हैं, पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप इतना भी कर सकते हैं, अगर फ्लेक्सिबल है तो पूरा करें ऐसे। ऐसे श्वास लेते हुए जाएंगे, इसके बाद जब तक आसन पर रुकते हैं तो श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रहती है, इसके बाद जब आसन से वापस आते हैं तो श्वास को पूरा करते हुए अंदर लेते हुए वापस आते हैं। 2-3 लंबी गहरी श्वास लेते हैं, रिलैक्स करते हैं। एक तो हमारा ये आसन हो गया पश्चिमोत्तानासन, उसके बाद दूसरा आसन है वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे आप थोड़ी देर, और इसके बाद करेंगे शशांकासन। दोनों हाथ साइड मिलाते हैं, श्वास पूरा करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए मस्तक जमीन पर, दोनों हाथ सीधे जमीन, श्वास प्रश्वास की गति सामान्य, आराम आराम से श्वास लेना और छोड़ना। थोड़ी देर रुकते हैं क्षमता अनुसार, इसके बाद वापस आ जाते हैं। दो तीन लंबी गहरी श्वास लेते हैं, रिलैक्स करते हैं। इसके बाद तीसरा आसन है हमारा पवन मुक्तासन, उसके लिए मैट पे सीधा लेट जाते हैं। पहले एक पैर से करते हैं, इसके बाद दोनों पैर से, लेफ्ट पैर को मोड़ा, चेस्ट से लगाया, श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने से टच करते हैं, क्षमता अनुसार थोड़ी देर रुकते हैं। इसके बाद दूसरे पैर से करते हैं, अब दोनों पैर से एक साथ दोनों पैर को मोड़ते हैं, चेस्ट से लगाते हैं, मस्तक को धीरे धीरे करके, अगर पूरा नहीं हो पाता जितना होता उतने तक मस्तक को लेकर जाएंगे और रोकेंगे, अगर पूरा होता है तभी पूरा करेंगे ऐसे। थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास पूरा करते हुए वापस आते हैं, दोनों पैरों को सामने खोलते हैं, 2-3 लंबी गहरी श्वास लेते हैं, रिलैक्स। इसके बाद अगला आसन नौकासन, जिसको करने से हमारे शरीर का आकार नाव के समान बनता है। दोनों पैरों को उठाया 30 डिग्री तक, इसके बाद श्वास पूरा करते हुए दोनों हाथों को उठाते हैं और पैरों के समानांतर दोनों हाथों को रोक कर रखते हैं, श्वास प्रश्वास की गति समान,
बराबर श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। कंपन को मेंटेन करते हैं, जैसे ही बॉडी में कंपन होने लगता है धीरे धीरे वापस आ जाते हैं, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करें, बिल्कुल आराम से करते हैं आसन पे, आराम से जाते हैं ऐसे ही आराम से वापस आते। इसके बाद अगला आसन है हमारा भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट के दोनों साइड जमाते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हैं, एड़ी पंजे घुटने सीधे, श्वास पूरा करते हुए नाभि से ऊपर को उठाते, जितना आराम से उठा सकते उतने उठाएंगे। ये ध्यान रखेंगे पीछे हमारे दोनों पैर एड़ी पंजे मिले, थोड़ी देर रुकते हैं इसी पे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ गए। एक बार फिर करते हैं ये सारे आसन कम से कम दो दो बार। ऐसी करवट लेके उठकर बैठते हैं, ये है हमारा योगासन। आपको ज्यादा नहीं 5 मिनट करना है और बिल्कुल गैस से आपको आराम दिलाएगा ये योगासन, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। और गर्मी का टाइम है तो गर्मियों में शीतली प्राणायाम, 2-3 प्राणायाम और ये 5 मिनट के योगासन से आप स्वस्थ और फिट रह सकते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।